CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 12 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2। प्रस्तुत है पाठ संख्या 5, कवि गजानन माधव मुक्तिबोध। पृष्ठ संख्या 27 से 33। पृष्ठ संख्या 27। कवि परिचय गजानन माधव मुक्तिबोध। जन्म 13 नवंबर सन 1917, श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। प्रकाशित पुस्तकें चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये कविता संग्रह हैं। काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, यह कथा साहित्य है। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अब आखिर रचना क्यों नाम से, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, आलोचना, भारत, इतिहास और संस्कृति। निधन 11 सितंबर सन 1964, नई दिल्ली में। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मा कवि मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। उन्होंने 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की, तत्पश्चात शुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बंगलौर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक का काम किया। कुछ समय तक पाठ्य पुस्तकें भी लिखीं। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उसके अगुआ कवियों में से एक थे। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने उनकी कविता को आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी, जैसे कोई नैसर्गिक अंतःस्रोत हो जो कभी चुकता ही नहीं, बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला आता है। यह ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। मुक्तिबोध की रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय रहा। वे एक समर्थ पत्रकार भी थे। इसके अलावा राजनैतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार लिखा है। कवि शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में उनकी कविता अद्भुत संकेतों भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती है। हमारी बातें हमको सुनाती है, हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। पृष्ठ संख्या 28। कविता परिचय। मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती हैं। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी हैं, उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है, जो भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। जीवन के सब दुख सुख, संघर्ष अवसाद, उठा पटक सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा यह कविता देती है। कवि को जहां से यह प्रेरणा मिली, प्रेरणा के उस उत्स तक भी हमको ले जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था, कुछ इस तरह स्वीकार और आत्मसात किया था कि आज तक वह
सामने नहीं भी है तो भी उसके होने का एहसास है। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। चूंकि यह एहसास आप्लावनकारी है और कविता का मैं उसकी भाव प्रवणता के निजी पक्ष से उबर कर सिर्फ विचार की तरह उसे जीना चाहता है, क्योंकि वह बृहत्तर विश्व की गुत्थियां सुलझाने में उसकी मदद करेगी। वह दिवंगता माँ, पत्नी, बहन, सहचरी कोई भी हो सकती है। सहज स्नेह की ऊष्मा जब विरह में अग्निशिखा सी उद्दीप्त हो उठी है, थोड़ी थोड़ी सी निस्संगता भी एकदम से जरूरी हो आई है और वह चाहने लगा है मोह मुक्ति। चाहने लगा है कि भूलने की प्रक्रिया एक अमावस की तरह उसके भीतर इस तरह घटित हो कि चांद जरा सा ओट हो ले, अंधेरे से सामना हो तो चित्त की ताकत बढ़े। लगातार यह भौतिक और मानसिक अवलंब अंदर एक अज्ञात भय भी कायम करता है। खो जाने का भय खो जाने से भी बड़ा है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता क्योंकि भीतर पिराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। दृढ़ता और तद्जन्य कठोरता भी बड़े मानव मूल्य हैं, इसलिए भूल जाना भी एक कला है। अति किसी चीज की अच्छी नहीं, हर समय की भावार्द्रता भी कमजोर करती है। अतिशय प्रकाश से आंखें चौंधिया जाती हैं, इसलिए किसी हद तक वरेण्य है अंधेरा भी, विस्मृति का अंधेरा। आदमी हरदम सब कुछ याद करता चले तो जीना ही मुश्किल हो जाए। पृष्ठ संख्या 29। तमसो मा ज्योतिर्गमय। यदि एक प्रकार का सच है तो उतना ही बड़ा सच है पाताली अंधेरे की गुफाओं में डूबना। भूलना दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए। धुएं के बादल भी पूर्ण विस्मृति घटित नहीं कर पाते। यादों का धुंधलका वहां भी है। मनुष्य की संपूर्ण चेतना अंधेरा उजाला, सुख दुख स्मृति विस्मृति के ताना भरनी से बुनी एक कबीरी चादर है, जिसे आत्मा चारों ओर से यानी संपूर्णता में लपेट लेना चाहती है। जीवन का निष्कर्ष यही है कि वहां किसी का नहीं, क्योंकि सब उसकी परछाई है। प्रश्न यहां उठता है कि वह है कौन, दिवंगता मां या प्रिया। बृहत्तर जीवन दर्शन जो ईश्वर निरपेक्ष होता हुआ भी उतना ही सर्वव्यापी और आप्लावनकारी है जितना कबीर के राम या वर्ड्सवर्थ की मातृमना प्रकृति। यह गुत्थी ना भी सुलझे तो भी कविता अपनी मर्मस्पर्शिता और द्वंद्व विह्वलता के कारण उतनी ही संगत और विशिष्ट है। साधक और साध्य की एकात्मता, तेरा तुझको सौंपता का लागे है मोर वाला ऐसा निरहंकार विनय, पारंपरिक साहित्य से इतर यानी आधुनिक कविता में कम ही दिखाई देता है। पृष्ठ संख्या 30। कविता सहर्ष स्वीकारा है। कवि गजानन माधव, मुक्तिबोध। सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब, मौलिक है मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है संवेदन तुम्हारा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यो तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलू मैं तुम्हें, भूल जाने की
दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू मैं, झेलू मैं, उसी में नहालू मैं। पृष्ठ संख्या 31। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित, आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। छटपटाती छाती को भवित्व्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहां भी तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। पृष्ठ संख्या 32। अभ्यास। प्रश्न 1। टिप्पणी कीजिए। गर्वीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल। प्रश्न 2। इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग हैं। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी करें। प्रश्न 3। व्याख्या कीजिए। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। इन पंक्तियों की व्याख्या करते हुए यह बताइए कि यहाँ चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों की गई है। पृष्ठ संख्या 33। प्रश्न 4। यहाँ कविता में से कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जिनमें कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया है। उन रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है। पंक्तियाँ हैं, तुम्हें भूल जाने की रेखांकित है, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या रेखांकित है, शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू मैं, शरीर, अंतर और पालू रेखांकित हैं, झेलू मैं, उसी में नहालू मैं, झेलू और नहालू रेखांकित हैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है। प्रश्न का, यह अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है और उससे विशेष्य में क्या अर्थ जुड़ता है। प्रश्न खा, कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है। प्रश्न ग, इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है। इस वैपरीत्य को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्या पूर्वक उल्लेख करें। प्रश्न घ, कवि अपने संबोध्य जिसको कविता संबोधित है, कविता का तुम, उसको पूरी तरह भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई है। रेखांकित अंशों को ध्यान में रखकर उत्तर दें। प्रश्न 5, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है और कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है में आप कैसे अंतर्विरोध पाते हैं, चर्चा कीजिए। कविता के आसपास। 1, अतिशय मोह भी क्या त्रास का कारक है। माँ का दूध छूटने का कष्ट जैसे एक जरूरी कष्ट है, वैसे ही कुछ और जरूरी कष्टों की सूची बनाएं। प्रश्न 2, प्रेरणा शब्द पर सोचिए
और उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए जीवन के वे प्रसंग याद कीजिए जब माता पिता, दीदी भैया, शिक्षक या कोई महापुरुष या महानारी आपके अंधेरे क्षणों में प्रकाश भर गए। प्रश्न 4, भय शब्द पर सोचिए। सोचिए कि मन में किन किन चीजों का भय बैठा है, उससे निपटने के लिए आप क्या करते हैं और कवि की मनस्थिति से अपनी मनस्थिति की तुलना कीजिए। शब्द छवि क, परिवेष्टित अर्थात चारों ओर से घिरा हुआ। ख, पिराना अर्थात दर्द करना। ग, गुहाओं अर्थात गुफाओं। घ, विवर अर्थात बिल। इसी के साथ आरोह भाग 2 का पाठ 5 यहाँ समाप्त हुआ। इसके बाद पाठ 4 आता है। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।